हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त कौशल। आप सभी का हमारी चैनल एजुकेशन एंड जीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में बात करेंगे, तो चलो हम उनके बारे में शुरू करते हैं। गायकवाड़ का जन्म 11 मार्च 1863 में हुआ था और 1875 से लेकर 1939 तक उन्होंने बड़ौदा की राजगद्दी संभाली। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि उनके पूर्वजों की अटक पहले मात्रे थी और बाद में मंत्री कैसे हुई और आखिर में गायकवाड़ कैसे हुई। बहुत साल पुरानी बात है और आज के इतिहासकार सदाशिव गर्ग के अनुसार उपनाम का परिवर्तन तब आया जब नंदाजी मंत्री ने हिंदुओं की भावनाओं की का सम्मान करते हुए अपने और अपने आसपास के गाँवों में भी गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध लगवा दिए और मुसलमानों के कत्लखाने भी बंद करवा दिए गए। उन्होंने गाय की रक्षा की, इसलिए मराठी में वे गाय कईवारी के नाम से जाने लगे और बाद में यह नाम बदलकर गायकवाड़ हो गया। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि सयाजीराव गायकवाड़ उनके माता पिता के दत्तक पुत्र है और उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता जमनाबाई ने कैसे और किन आधार पर उनको अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तो चलो आइए जानते हैं कि 1856 में वडोदरा के 11वें गायकवाड़ महाराजा गणपत राव की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई खंडे राव 12वें महाराजा के रूप में सिंहासन पर आए। वह 1857 के स्वातंत्र संग्राम में शामिल हुए नहीं, इसलिए अंग्रेजों ने उन पर मेहरबानी की, परंतु 1870 में खंडेवराव की मृत्यु हो गई और उनके सबसे छोटे भाई मल्हावराव को राजगद्दी मिली। परंतु हालांकि कृपाबंधन और अत्याचार के कारण अंग्रेजों ने उन्हें निकाल दिया और हमेशा के लिए मद्रास यानी कि चेन्नई भेज दिया। और जमनाबाई खंडेवराव की जो विधवा पत्नी थी, अंग्रेजों ने कहा कि आप किसी और के बेटे को अब दत्तक ले लीजिए और महाराजा के रूप में सिंहासन पर बिठा दीजिए। तो महारानी जमनाबाई ने कैसे और किन हालात में उनको अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया, आइए जानते हैं कि जमनाबाई ने 1875 में सिंहासन संभालने के लिए कुछ आशास्पद बालकों को ढूंढने के लिए राज दरबार के कुछ विद्वानों को मराठा प्रदेश जाने के लिए कहा। नासिक जिले के क्वालाणा नामक एक सुप्रसिद्ध गांव है जहां गौ रक्षा के बदले 100 वर्ष पूर्व गायकवाड़ अटक वाले कुछ परिवार रहते थे। इनमें से सर्वेक्षण, निरीक्षण और प्रशिक्षण के अंत में 2 परिवारों के 3 बच्चों का चयन किया गया और उन्हें अंगरक्षकों की एक टीम के साथ वडोदरा लाया गया। 2 भाई संपात राव और गोपाल राव क्रमशः 9 और 12 साल के थे और दादा साहेब नाम के तीसरे बच्चे की उम्र 10 साल थी। तीनों को एक बंगले में उतारने के बाद वडोदरा अदालत के वरिष्ठ सलाहकारों ने उनके भाषण, व्यवहार और अनुशासन संस्कारों को दिनों तक देखा। अंत में उन्हें तेज बुद्धि के जमनाबाई के सामने पेश किया गया। जमनाबाई ने बारी बारी से सभी से कई सवाल जवाब पूछे। एक सवाल था, क्या आप जानते हैं कि आपको यहाँ क्यों लाया गया है? दादा साहेब और संपत राव के जवाब का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन गोपाल राव का जवाब था कि बेशक महाराजा बनना है। गोपाल राव के रवैये को देख और आत्मविश्वास को देखकर जमनाबाई ने उसे सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनाने का फैसला किया। एक नाम नया भी चुना, सयाजीराव, जो लोगों के दिलों में बसना था। सुधारवादी विचार सयाजीराव की विशेष छाप रही है। इस विचार के एक सही निर्णय से भविष्य में एक इतिहास रचने जा रहा था। जब एक दिन सयाजीराव के एक नजदीकी ने महाराजा की एक मुंबई की मुलाकात में एक महारकुंभ के गरीब लड़के को मिलवाया और कहा कि यह लड़का बहुत होशियार और पढ़ाई में तेज है, किंतु पैसे की कमी के कारण यह पढ़ नहीं सकता और निजी ज्ञाति के कारण उसे कोई मदद भी नहीं करता। तब सयाजीराव महाराज को उस लड़के पर दया आई और उसे कहा कि मैं तुम्हें हर महीने 50 रुपये की स्कॉलरशिप दूंगा पढ़ने के लिए। बस सयाजीराव के इसी एक फैसले से उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल गई और इस सहाय से उसने बीए की डिग्री प्राप्त की। इस बात से सयाजीराव बहुत खुश हुए और उस लड़के को अमेरिका भेजकर कानूनी शास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की।
और ये वही लड़का था जिसने भारत का संविधान रचा। जी हाँ, मैं बात कर रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। क्या आप दोस्तों उससे पहले ये बात जानते थे तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां बच्चों ने स्कूल तक भी नहीं देखा, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। पर गुजरात के बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव के समय में उन्होंने अपने राज्य में कुल 2938 स्कूल थे और एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्री था। और यही भी नहीं, स्टैंडर्ड 6 तक पढ़ना कंपलसरी भी था, और जो कोई भी बच्चा स्कूल में बिना वजह एब्सेंट होता था तो उसे 2 आना यानी कि उस जमाने में 12 पैसे की पेनल्टी लगती थी। और कुछ ऐसे भी थे जिनको ज़्यादा दिनों तक बिना बताए एब्सेंट रहने से उस जमाने में पूरे 1 रुपये की भी पेनल्टी लगी थी। और उससे मज़ेदार बात यह भी है, लड़का और लड़की को एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ना पड़ सकते हैं, ऐसा क्रांतिकारी नियम था। और ये रही उस जमाने की फोटो, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव संगीत, चित्रकला, साहित्य, शिल्पकला ऐसे कई क्षेत्रों के कलाकारों के कदरदान थे। एक दिन उन्होंने मशहूर पोइट्रेट रवि वर्मा के पास अपने और सारे परिवार के सभ्य के पोर्ट्रेट बनवाए, किंतु अपना खुद का पोर्ट्रेट नहीं बनवाया। तब आश्चर्य में डूबे हुए रवि वर्मा ने कहा कि महाराज, आपने क्यों अपना पोर्ट्रेट नहीं बनवाया? तब महाराजा ने क्या उत्तर दिया आप जानकर यकीन नहीं करोगे। महाराजा ने बताया कि मैंने इसलिए अपना पोर्ट्रेट नहीं बनवाया क्योंकि मैं तो सिर्फ अपनी प्रजा के लिए जिंदा रहता हूँ, और वो अपने 76 वर्ष के जीवन काल में अपने प्रजा के लिए बहुत काम किए। और 6 फरवरी 1939 में महाराजा ने अपने प्राण छोड़े।